हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.1 जो है इससे पहले अपलोड कर दी गई है चैनल पर, और जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है इसका, इन द फिगर 6.17 पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड। ये फिगर 6.1 का फर्स्ट है और ये सेकेंड फिगर है। इसमें बताया गया है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल टू BC। तो फाइंड EC इन फिगर वन। फिगर वन में हमें EC बताना है, ये वाली लाइन इसमें बतानी है क्या होगी, एंड AD इन फिगर टू। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो दोस्तों, इसमें जब किसी ट्रायंगल में कोई एक साइड पैरेलल होती है अदर साइड के और वो अदर टू साइड को कट करती है किसी दो पॉइंट पे, तब अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू BPT इफ BC पैरेलल टू DE, अगर BC DE के पैरेलल है तब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यानी कि इस लाइन का रेशियो अपॉन इस लाइन के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पे जो जो हमें वैल्यू रखी हुई है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। AD हमें 1.5 दिया हुआ है, तो AD की वैल्यू 1.5 अपॉन DB हमें 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 इज इक्वल टू AE 1 सेंटीमीटर, और EC हमें फाइंड करना है, तो EC के प्लेस पर हम यहाँ पे EC ही रख देंगे। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 EC इज इक्वल टू 3 × 3, सो EC इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा के 0, 15 × 30, सो EC की वैल्यू हमारी 30, सो EC इज इक्वल टू हमारा 52 × 30 होता है, तो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EC हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली हम सेकंड वाले क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो BC है वो पैरेलल है DE की, तो अकॉर्डिंग टू BPT इसमें भी BPT लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर कहीं कहीं आपको इसमें थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल जो होगा, प्रोपोर्शनल इन साइड का रेशियो जो है इक्वल होगा, सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD हमें फाइंड करना है, तो AD के प्लेस पर AD रहने देंगे। BD की वैल्यू है 7.2, तो यहाँ पे 7.2 अपॉन AE 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू निकालने के लिए हम AD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 5.4, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 18 3 × 54, तो ये हमारा 7.2 डिवाइड बाय 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, तो AD हमारा 2.4 आ जाएगा, ये वाली साइड हमारी 2.4 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ BPT लगानी थी और कुछ नहीं करना था। और BPT क्या होती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कोई साइड इसकी पैरेलल है और ये पैरेलल साइड अगर इसको कट करती है, तो इस लाइन का रेशियो इज इक्वल टू इस लाइन के रेशियो के इक्वल होता है, यही हमारी BPT होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।